हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं परवल की सब्ज़ी बनाने का तरीका। बिल्कुल इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये परवल हमने हाफ़ के जी लिया है, इसको हम छील लेते हैं। ये छील कर ही अच्छा लगता है, इस तरह से हम सारा छील लेते हैं। ये हमने छील लिया है और ये दोनों तरफ से कट कर हम हटाएंगे, फिर चार भाग में इसको हम काटेंगे। देख सकते हैं किस तरह से हम काट रहे हैं, इस तरह से काट लेंगे चार टुकड़ों में और सभी को इसी तरह काट लेते हैं। ये हमने काट लिया है, पहले ही हमने धो लिया था, ये देखिए। और एक बड़े साइज का हमने आलू कट कर लिया है, मीडियम ऐसे ही कट किया है। और मसाले हम ले रहे हैं जीरा, काली मिर्च और राई है, अदरक है, लहसुन है और दो हरी मिर्च है। मसाले को पीस लेते हैं। मसाले हमने पीस लिए हैं। हल्दी पाउडर एक टीस्पून ले रहे हैं, मोदी केयर का है। और एक टीस्पून हम धनिया पाउडर इसमें मिलाएंगे। हाफ़ के जी मेरा परवल है इसलिए ज़्यादा हम मसाला यूज़ कर रहे हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, सरसों ऑयल हमने डाला है और इसमें हम अब आलू को भून लेते हैं, फ्राई कर लेंगे। नमक थोड़ा सा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून, और चलाते हुए हम आलू को फ्राई करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से मेरा फ्राई हो रहा, ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम आलू को निकाल लेते हैं और फिर हम परवल को फ्राई करेंगे। परवल को भी उसी तरह हम नमक इसमें भी थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे चलाते हुए। हाफ़ टी स्पून इसमें भी हम नमक ले रहे हैं और चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। अच्छा से फ्राई होना ज़रूरी है, तभी अच्छा लगेगा। देखिए फ्राई मेरा अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से, ये बिल्कुल फ्राई हो गया। देख सकते हैं किस तरह से कलर चेंज हो गया है। अब जिसमें हम आलू निकाले थे उसी में हम फिर निकाल लेते हैं। अब फिर मसाले को हम इसी में भूनेंगे। वही ऑयल है, वही कढ़ाई है, हमने एक टीस्पून जीरा डाला है और दो मीडियम साइज का प्याज हमने कट किया था उसको डाल रहे हैं और ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम मसाले को डाल देते हैं और मसाले को भी हम भूनेंगे इसी में डाल करके। नमक इसमें भी ऐड करते हैं हाफ टी स्पून मसाले में और चलाते हुए हम पकाएंगे। थोड़ा ढक देंगे फिर चलाएंगे, इस तरह से हम पका लेते हैं। देखिए हमारा मसाला भुन रहा है अभी, देख सकते हैं भुन चुका है बिल्कुल। तो इसमें हम परवल और आलू को डाल देते हैं। आप चाहें तो टमाटर भी मसाले के साथ डाल सकते हैं, हम नहीं डाला है इसमें। अब हम इसमें पानी मिला देते हैं, दो कटोरी हम पानी मिला रहे हैं। अच्छी तरह से हमारा पकेगा साथ में और ग्रेवी भी हमारी अच्छी होगी। इस तरह से ये देखिए हमारा पक रहा है परवल की सब्ज़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और थोड़ा सा अभी हम पकने देते हैं, देखिए गाढ़ा हो गया है। कमेंट करके बताइए हमारा ये परवल की सब्ज़ी कैसा बना है। तो अब गैस बंद कर देते हैं, निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाइए, रोटी और चावल के साथ खाइए। और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तारा नूर मोदी केयर को। अब हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।